साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, नंबर रैंकिंग अर्थात पदों का अनुक्रम पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है, कुछ व्यक्तियों का या कुछ वस्तुओं का एक समूह होता है, ठीक है ना। उसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का क्रम दे देता है, ठीक है ना। अगर एक रेखा में बैठे हैं वो लोग, तो वो क्या हो जाएगा, आगे से दे देगा अर्थात दाएं से दे देगा या बाएं से दे देगा, आगे से दे देगा या पीछे से दे देगा। अगर हम लंबवत अगर उनको सीरीज में लगाया गया है तो ऊपर से दे देगा या नीचे से दे देगा। दो लोगों की पोजीशन को, उनकी क्रम को बदल देगा और फिर बोलेगा उस उन दोनों के बीच में या उनका दाएं से या बाएं से क्या क्रम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो देखिए, पदों के अनुक्रम में क्या होता है, मान लो एक रेखा में कुछ लोगों को उसने बैठाया, ठीक है ना। तो मान लो आप यहां पर बैठे हो, आप इस जगह पर बैठे हो, ये आप हो। अगर मैं कह दूं कि आपके बाएं में राम बैठा है, आपके बाएं में राम, श्याम, कोई भी नाम ले लो, आपके बाएं में एक्स बैठा है। एक्स को कहां बता दिया हमने, बाएं में बैठा है अर्थात लेफ्ट में बैठा है, ठीक है ना। आप या तो ऐसे बना सकते हो, और या अगर आपने ऐसे बना दिया तब आपका बायां जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो वही बायां आपका कुछ अलग दिखाएगा, और अगर आपने मुंह इस दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में कर दिया तो आपका बायां इससे विपरीत हो जाएगा। तो ये याद रखिए, पहले तो आप दिशा के बारे में जानिए कि दिशा हमारे पेपर पर कैसी होती है। हम ऊपर एक रेखा अगर खींचें और एक इस तरह से रेखा खींचे, क्षैतिज रेखा, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो ऊपर की तरफ एरो गया है वो हमारा उत्तर बताता है। क्या बताता है, उत्तर बताता है अर्थात नॉर्थ बताता है। ऊपर जो होता है वो हमारा नॉर्थ बताता है, और जो नीचे होता है वो हमारा दक्षिण को बताता है। दक्षिण प्रदर्शित करता है अर्थात साउथ प्रदर्शित करता है। और वहीं ये क्षैतिज रेखा में इस पॉइंट पर क्या होता है, इस दिशा में हमारा क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, पूरब होता है अर्थात ईस्ट होता है, ईस्ट होता है। और वहीं इस दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, पश्चिम अर्थात वेस्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया दिशा का खेल। अब देखो, अगर आप क्या कर रहे थे, उत्तर की दिशा में खड़े थे, उत्तर की दिशा में मुंह किए हुए थे, तब आपका ये, तब आप अगर देखोगे, आप ऐसे खड़े हो जाओ तो आपका जो यहां पे एक ये हाथ होगा, एक ये हाथ होगा, ठीक है ना। तो आपका ये वाला हैंड कौन सा होगा, तो ये वाला आपका राइट हैंड होगा अर्थात आपके इस दिशा में अगर हम जाएंगे तो हम राइट में आ जाएंगे अर्थात दाएं में आ जाएंगे। और यदि हम आपके इस वाले हैंड को देखें तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा अर्थात बायां हाथ होगा अर्थात में अर्थात आपके इधर जितने भी लोग होंगे वो बाएं में बैठे होंगे अर्थात लेफ्ट में बैठे होंगे। वहीं आप अगर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह कर लिए, अर्थात अभी हम ऐसे थे, अब हम क्या हो गए, ऐसे आ गए, तो हमारा ये क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा अर्थात जो यहां पे राइट था। बस आपको इसको समझ के चलो कि जब हम उत्तर में बैठ रहे हैं तो हमारा जो राइट है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, और जैसे ही हम दक्षिण में आएंगे हमारी सारी चीजें विपरीत हो जाएंगी, राइट का हमारा लेफ्ट हो जाएगा अर्थात बायां हो जाएगा, है ना। और ये इधर जब हम आएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा अर्थात ये हमारा दायां हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर दिशा में हमारा ये चलता है, जैसा हमारा हाथ रहेगा, हाथ की पोजीशन रहेगी वैसे दिशाएं रहेंगी, और जैसे ही हम दक्षिण में आएंगे हमारा सारा राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है अर्थात सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एक इस तरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और एक क्या होता है, वर्टिकल में जब बैठाता है, जब वर्टिकल में मान लो आप यहां पर बैठे हो, आप यहां पर बैठे हो, तो आपको यहां पर वर्ड क्या
बता देगा आपके ऊपर कोई एक्स बैठा है या आपके नीचे इस पॉइंट पे कोई वाई बैठा है। तो यहाँ पर ऊपर या नीचे करके पूछता है या पोजीशन देता है आपको, कुछ और पूछेगा। क्या पूछेगा वो आप क्वेश्चन में अभी हम कराएंगे, उसको देखिएगा, ठीक है ना। अब एक आप कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं लिख दूं एक्स जो है वाई से बड़ा है लेकिन जेड से छोटा है, ये लिख दूं, तो आप एक्स को वाई से बड़ा बना लोगे। एक्स ये है आपका और वाई ये, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है लेकिन जेड से छोटा है। आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि जेड किससे छोटा है, एक्स से छोटा है कि वाई से छोटा है। तो आप ये जान जाओ कि जब लेकिन आए या आपका किंतु आए या आपका परंतु आए तब हम रिफरेंस किसको लेते हैं। तो रिफरेंस अर्थात किसके सापेक्ष में कहा जा रहा है, किसके सापेक्ष लिया जा रहा है। तो लेकिन किंतु या परंतु जब आ जाता है तो जो भी हमारा पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष सेंटेंस लिखा हुआ रहता है। तो देखिए एक्स वाई से बड़ा है लेकिन किंतु या परंतु जेड से छोटा है, कौन छोटा है तो एक्स छोटा है। एक्स जो है वो जेड से छोटा है, किंतु जेड से छोटा है, परंतु जेड से छोटा है लेकिन वाई से बड़ा है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन किंतु परंतु जब आता है तो हम पहले वाले जो भी हमारा लिखा रहता है उसको उसके सापेक्ष ही हमारा सेंटेंस दिया रहता है। दूसरा इसी में लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यदि हम इसी को ले लें कि हमारा एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। अब यहां पे क्या लगा दें, जो या जिससे या उससे, उससे जिससे, या आप इसको यहाँ पे जिसका भी कभी कभी अलग कुछ सेंटेंस है तो जिसका देगा या उसका बना देगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक्स वाई से बड़ा है जो जेड से छोटा है। अब ये देखिए एक्स को क्या बताया, वाई से बड़ा। एक्स जो है वो क्या है, वाई से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो या जिससे या उससे जेड से छोटा है। तो यहां पे ये किसको कह रहा है, एक्स को कह रहा है कि वाई को कह रहा है। तो यहां पे ये वाई को कह रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है जो कि जेड से छोटा है। ये हमारा क्या है, जेड से छोटा है, ठीक है ना। तो एक्स जो है वो वाई से आपका बड़ा है, वाई से क्या है, बड़ा है, जो कि जेड से देखिए वाई क्या है, छोटा है। तो ये याद रखिएगा कि जब जो जिससे या उससे या जिसका आ जाए, जिससे की जगह जिसका आ जाए या उससे की जगह उसका आ जाए, तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, जो सेकंड नंबर पे हमारा दिया रहता है उसके सापेक्ष हमारा सेंटेंस पूछा रहता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप बिल्कुल क्लियर माइंड बिल्कुल शार्प रखिएगा, तुरंत आंसर आएगा। किसी भी छोर से शुरू करने पर, छोर का मतलब क्या होता है,
एक लाइन है, या तो इस छोर से या तो इस छोर से, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में, ये पंक्ति बना ली हमने, यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, मतलब मैंने क्या किया, आपको यहां पर बैठा दिया, आपको इस तरफ से देख रहे हैं तब भी आप 11वें स्थान पर आ रहे हो, और इस तरफ से देख रहे हैं तब भी आप क्या कर रहे हो, 11वें स्थान पर ही आ रहे हो। तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। तो आप इधर से भी 11वें स्थान पर आ रहे हो, इधर से भी 11वें स्थान पर आ रहे हो, इन दोनों को जोड़ दो। 11 प्लस 11 क्या होता है, 11 दूनी 22, और क्या कर दो, एक माइनस कर दो, अर्थात 21 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने, अगर आप ये पूछोगे कि 11 को 11 से जोड़ दिया, कुल व्यक्ति हमारे 22 आए, हमने एक को क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से हमारा 11वां स्थान था, यहाँ पर जब हमने 11 को लिखा तो हमने अपने आप को एक बार जोड़ा, और इधर से भी जब हम 11वां स्थान प्लस 11 कर रहे हैं तो हम दोबारा में यहां पर अपने आप को जोड़ ले रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को दो बार जोड़ ले रहे हैं, इस वजह से हमने एक बार अपने आप को माइनस कर दिया, अर्थात 22 माइनस 1 बराबर 21। तो रीजन भी बता दिया कि एक हमने क्यों माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, एक हमने पंक्ति बना ली, इसमें 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, कह रहा है पी है एम के बाईं ओर, पी जो है, पी मान लो ये है, वो क्या है, कहां है, एम के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट ओर है, पी कहां है, एम हमने यहां पे बना लिया, तो पी जो है एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है, दाईं ओर बैठी है, कौन बैठा है, पी, पी एम के तो बाईं ओर है लेकिन ओ के कह रहा है, ओ के क्या कह रहा, एक मिनट, M के क्या है, बाईं ओर है, M का बायां किधर होगा, M का बायां इधर होगा, अगर हम इधर M बना देंगे तो ये M का तो दायां हो जाएगा ना, तो M यहां पर होगा, P जो है M के बाईं ओर बैठी है और O के दाईं ओर बैठी है, O हमारा यहां पे होगा, तभी तो इसका दायां ये होगा ना, क्योंकि इधर राइट है, इधर हमारा लेफ्ट है, ठीक है ना, इतना क्लियर। R बैठी है N के दाईं ओर, अब देखो R बैठी है N के दाईं ओर, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ना R आ रहा है ना N आ रहा है, तो हम पहले इसको ना देख के यहाँ से देखेंगे कि R N के दाईं ओर बैठी है किंतु O के बाईं ओर है, O के बाईं ओर, बाईं ओर O का किधर होगा, इधर होगा, तो यहीं पे तो हमारी R बैठी है, ठीक है ना, O के बाईं ओर कौन बैठा है, R बैठा है, और R जो है वो N के किधर से बैठी है, तो दाईं ओर बैठी है, अर्थात N हमारा यहाँ आ जाएगा, तभी ना R, R जो होगा वो N के दाईं ओर होगा और O के क्या होगा, बाईं ओर होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया, 5 लोग थे तो 2, 2, 4, 5, 5 लोग को बैठा दिया। क्वेश्चन देखो, बीच में कौन बैठा है, तो आप बीच में देख रहे हो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, बीच में हमारा क्या आया, O बैठा है, अर्थात फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो आप जब भी एक लाइन बनाओ तो इधर तुरंत लिख लो ये बायां है अर्थात लेफ्ट है, और इधर ये राइट लिख लो अर्थात ये दायां है, कहीं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से बैठा दो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, अब देखो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, ऊपर नीचे का अभी मैंने आपको केस बताया कि हम लंबवत बैठाएंगे। अनुज कहां पर है, अनुज मान लो यहां पर है और अनिल यहां पर है, अनिल से कितना श्रेणी ऊपर है, तो 9 श्रेणी। कुल 40 बच्चे थे इस कक्षा में और क्या हुआ, अनुज जो था वो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर था। अब कह रहा है यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां हो, अंत से अनिल का स्थान कितना है, तो कहा जा रहा है कि अंत से अनिल का स्थान कितना है, 14वां है, तो आरंभ से किसका पूछ रहा है, अनुज का स्थान क्या होगा, आरंभ से अनुज का स्थान कितना होगा। तो यदि हम अनुज की
अंत से क्या कर लें, स्थिति ज्ञात कर लें, तो हम टोटल में से माइनस करके कहीं ना कहीं हम इसकी आरंभ से स्थिति ज्ञात कर लेंगे। तो अंत से अनुज की स्थिति कितनी होगी, जब अनिल की स्थिति 14 है तो 14 में से 9 और जोड़ देंगे, 14 में से 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अंत से अनुज की स्थिति क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, इस टोटल 40, 40 बच्चे ऐसे बैठे थे, इस टोटल 40 में से अनुज के नीचे कितने लोग आपका दिख रहा है बैठे थे, तो 22 लोग बैठे थे। 23वें पे तो अनुज था ना नीचे से, तो 22 लोग बैठे थे। अगर हम इसी 40 में से 22 घटा दें तो ऊपर से हमें क्या मिल जाएगी, अनुज की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। तो यहां से हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे। अब आगे पीछे या एज का क्वेश्चन आए, आगे पीछे का क्वेश्चन आए, या बड़ा छोटा का आ जाए, ठीक है ना, लंबा और छोटा का आ जाए, तब आप एरो से हमेशा बना लो। क्या कह रहा है, विजय जो है विपिन से पीछे है, ये हमने बना लिया विपिन, ठीक है ना, और विजय जो है वो क्या है पीछे है। ये हमारे विजय हो गए, ये पीछे हो गए। तो क्या कह रहा है, विजय विपिन से पीछे है, क्या आ गया, परंतु सुकुमार से आगे है। सुकुमार के को किसके आगे बताया जा रहा है, मतलब सुकुमार से कौन आगे है, विजय आगे है कि विपिन। अभी मैंने बताया कि लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो पहले वाले के सापेक्ष में कहीं ना कहीं दिया रहता है सेंटेंस, अर्थात यहाँ पे विजय जो होगा वो सुकुमार से क्या है आगे है, तो सुकुमार हमारे नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि विपिन रवि से पीछे है, ये जो विपिन है वो किससे पीछे है, रवि से पीछे है, परंतु विजय से आगे है, ठीक है ना, बन गया ना, विजय से तो आगे है लेकिन रवि से जो है, रवि से विपिन क्या है पीछे है। नारायण कहीं बीच में, नारायण कहीं यहां पे बीच में है, कौन, नारायण, ठीक है। इनमें से सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे हमारा क्या निकला, रवि निकला। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आप पहले इन सारे क्वेश्चन को जब भी आप किया करो तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में दिया करो, इनमें सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे का ही जाना है, तो तुरंत फटाक से बनाओ और नारायण नारायण लिखने की आवश्यकता ही नहीं हमें पड़ेगी, हम तुरंत रवि का ऑप्शन लगा देंगे। नारायण बस देखा बीच में है तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, अर्थात हमारे जो पूछा गया है वो हम बता देंगे। क्या कह रहा है अब नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9 है। लड़कों की मान लो एक पंक्ति थी और उसमें बाईं ओर से ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दाहिना हाथ हो गया, तो बाईं ओर से कह रहा है मनीष का जो स्थान था वो 9 था और सुरेश का दाईं ओर से, मनीष का बाईं ओर से और सुरेश का दाईं ओर से कितना था, यहाँ मान लो सुरेश बैठा है तो इसका स्थान क्या था, इसका भी स्थान 9 था लेकिन कहाँ से, दाईं ओर से। अब कह रहा है उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली, अर्थात स्थानों का इंटरचेंज हो गया, अर्थात अब हमारे सुरेश इधर आ गए, अर्थात जहाँ पे कौन था, मनीष था, वहाँ सुरेश आ गए और जहाँ सुरेश था वहाँ क्या आ गए, मनीष आ गए, ठीक है ना, इंटरचेंज हो गया। तो अब कह रहा है सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, कहाँ से, दाईं ओर से, यही जो सुरेश बैठा है ये हमारा दाईं ओर से कितना हो जा रहा है, 18वां स्थान इसका हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो आपका जो इंटरचेंज करने पर ये जो मनीष हैं, ये जो मनीष हैं इनका बाईं ओर से क्या स्थान है, इनका बाईं ओर से क्या स्थान होगा,
यही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो आपका दिया है वहीं से आपको आंसर निकालना है। आपको कंप्लीट जो है दायां बायां को जोड़कर लोगों की संख्या कुल निकालनी है। तो जहां पे आपका कंप्लीट दिया हो दायां से भी रैंक दे दी गई हो और बाएं से भी पोजीशन दे दी गई हो अर्थात नंबर दे दिया गया हो वहीं से हम पकड़ेंगे। तो देखो मनीष का ये जो स्थान था पहले वाला जो मनीष का स्थान था वो 9वां था बाएं से और वहीं जब सुरेश आ गया तो दाएं से 18 हो गया। और यदि हम 9 प्लस 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस वाले स्थान पे जो भी पर्सन बैठ रहा था उसको हमने दो बार जोड़ दिया अर्थात एक घटा देंगे तो कुल मिला के जो कुल संख्या आई लोगों की वो कितनी आ गई 26 आ गई। क्वेश्चन में कुल संख्या भी अगर पूछ देगा तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो कुल संख्या हमारी 26 आ गई। लेकिन हमें बताना क्या था कि जो मनीष है उसकी नई पोजिशन जो है उसकी बाई ओर से कितनी है। तो हमें जब टोटल पता चल गई और हमें पता है कि मनीष की पोजीशन से पहले हमारा कौन बैठा था सुरेश बैठा था। सुरेश का उस समय स्थान दाएं से कितना था 9वां था अर्थात सुरेश के इधर कुल मिला के कितने बच्चे बैठे होंगे 18 बच्चे यहां पे बैठे होंगे। और अगर हम टोटल में से यही सॉरी 8 बच्चे बैठे होंगे यदि हम टोटल में से यही 8 बच्चों को माइनस कर दें तो जहां पे सुरेश पहले बैठा था और बाद में मनीष बैठा था उस पर्सन की हमारी क्या हो जाएगी बाएं से पोजीशन आ जाएगी अर्थात इसी 26 में से क्या कर देंगे हम ये 8 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे 8 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16वां स्थान आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 16वां स्थान आ जाएगा सॉरी 18वां स्थान आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18वां स्थान आ जाएगा। तो जहां से आपको कंप्लीट रैंकिंग दी गई हो कंप्लीट नंबर दिया गया हो वहां से आप पकड़ लिया करिए। बायां से दिया था हमें पूरा 9वां स्थान, दाएं से दिया गया था 18, हमने जोड़ा तो कुल आ गया। और कुल में से जो हमने पूछा क्या था बाएं ओर से पूछा था तो दाएं ओर से लोगों की संख्या को माइनस कर दिया तुरंत हमारा मनीष की पोजीशन आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं आप में कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अब कंफ्यूज होने का समय गया, अब आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो इसी के साथ अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, कॉन्सेप्ट्स लाएंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में बीट करना है। ओके, तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।